नमस्ते। जो क्लास 10 के स्टूडेंट दिस टाइम एग्ज़ाम दिए थे, मतलब 2020 2021 के बैच का, जो कि रिजल्ट में सेटिस्फाई नहीं थे अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइंस का, उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए डेट शीट आ गया है, उसके हिसाब से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, डेट एंड टाइम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, वेडनेसडे 25 अगस्त 2032 12:30 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। देन आपका फ्राइडे 27 अगस्त 10:30 to 1:30 PM में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। 31 अगस्त सोशल साइंस है। देन 2 सितंबर हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी है। 3 सितंबर होम साइंस है। देन 4 सितंबर साइंस थियोरी है। देन 7 सितंबर कंप्यूटर एप्लीकेशन है। देन 8 सितंबर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक है, उसका नोट्स क्या हुए देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ईच पेपर के लिए दिया हुआ है, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। और जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम ईच सब्जेक्ट और पेपर, उसके हिसाब से ही आपको फॉलो करना है। जैसे कि आंसर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10 से 10:15 AM के बीच में, आंसर शीट आपको मिल जाएगा। ओके, देन उसमें मिलने के बाद यू हैव टू राइट द डिटेल्स, आपका रोल नंबर नेम डिटेल्स जो कि ऊपर में लिखना है, आंसर बुक में जो भी फिलअप करना है उसको आप उसके बाद ही लिखना है। फिर उसके बाद जो कि पार्टिकुलर चेक साइन होगा, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो भी वो काम आप लोगों का नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा 10:15 AM में, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन 10:15 से 10:30 AM 15 मिनट मिलेगा जो कि क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। देन उसके हिसाब से प्रॉपर स्ट्रैटेजी आंसर लिखने के प्लान करना पड़ेगा आप लोगों को। देन 10:30 में, ठीक है, राइटिंग आंसर स्टार्टिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, वहाँ से 10:30 से लिख सकते हो। ओके, देन डिक्लेरेशन रिजल्ट में अटेंड नहीं किया, सो मोस्ट प्रोबेबली बाई सेप्टेम्बर रिजल्ट आ जाएगा। सो डिटेल्स CBSE.NIC.IN में आपको मिल जाएगा। और एक बात, और डिटेल्स गाइडलाइन भी जल्द से जल्द मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। थैंक यू।